અરવલ્લીના મોડાસામાં વિશ્રામ ગૃહ ખાતે રાષ્ટ્રવાદી પ્રખર વક્તા પુષ્પેન્દ્ર કુલશ્રેષ્ઠની પ્રેસ પરિષદ યોજાઈ હતી, જેમાં પુષ્પેન્દ્ર કુલશ્રેષ્ઠે નિવેદન આપ્યું કે ધક્કામુક્કી ફાઇલ ફિલ્મ જેવી ફિલ્મો બનાવવી જોઈએ, સાથે જ ગુજરાત ફાઇલ ફિલ્મ બનાવવા પહેલા ગોધરા ફાઇલ્સ ફિલ્મ પણ બનાવવી જોઈએ જેવા મુદ્દે પોતાનું નિવેદન આપ્યું હતું. कश्मीर फाइल जैसी फिल्में चाहिए. मैंने सुना है कि कश्मीर फाइल के बारे में जब देश के प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो कुछ लोगों ने कहा कि गुजरात में भी बननी चाहिए. फरजानिया वगैरह बनी थी फिल्में. आप तथ्यों से जब टेम्परिंग करेंगे तो फरजानिया वो नहीं कर पाई जो कश्मीर फाइल ने. इसलिए अगर किसी को गुजरात फाइल बनानी है तो वो ये ध्यान रख के बनाए, बाकी सब आजाद है. मैं अपनी बात रखता हूं, गुजरात फाइल बनाने से पहले गोधरा फाइल बनानी पड़ेगी, तब गुजरात कंप्लीट होगा. कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के ये कहने के बाद सवाल उठाए कि भाई आपने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात जो लोग करते हैं वो यकायक कश्मीर फाइल के खिलाफ क्यों बोल. तो किसी ने कहा, बड़े सारे चिटपुट इस देश में मौजूद है, हर आदमी को लगता है कि प्रधानमंत्री को बोल दो कुछ भी तो ठीक है, लोकतंत्र है. उन्होंने कहा कि हम गुजरात फाइल बनाएंगे तब भी क्या प्रधानमंत्री तारीफ करेंगे. तो मैं कह रहा हूं बनाओ भाई, मना किसने किया है. 1984 बनाओ, मने किसने किया है. बंगाल बनाओ, मने किसने किया है. मोगला बनाओ, मने किसने किया. डायरेक्ट एक्शन बंगाल में हुआ, उनमें से सब बनाओ ना, मने किसने किया. यार इस देश में 21 लाख लोग मारे गए तब ये देश बटा, लेकिन एक फिल्म नहीं बनी उसके ऊपर.